For summer is for falling in love. Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. Namaste, Sat Sri Akal, namaste. हम घर जा रहे हैं सरप्राइज देने और वो भी बिना बताए. चलो हाय. अभी भी सब लेट होता जा रहे हैं. लेट नहीं, हम लोग टाइम से हैं, बट अंकल जल्दी आ गए थे. सर जल्दी आ, जल्दी आ, पक क्या. सो मैंने घर पे नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं और ये हमारे साथ जा रहे हैं देहरादून आ रहे हैं. सो लेट्स गो. हेलो गाइस, सो वी आर एट द एयरपोर्ट और टाइम पे हम एकदम इस बार टाइम से हैं और हमने अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं की बस अभी तक आगे देखते हैं. आई होप हम आगे भी नहीं करें और कोई गड़बड़ मतलब. स्मिता वहाँ पे, मैं दिखाती हूँ. स्मिता दीदी, दीदी रुको ना. कैसे लग रहा है आपको टाइम पे पहुँच के? बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बार कुछ काम हम लोग टाइम पर कर रहे हैं. और अभी हमने घर पर बताया नहीं कि हम लोग आ रहे हैं और वैसे हमने बता दिया कि हम घर पर जा रहे हैं. बस मानसी ने बताया. सो यस, उनके उनको लग रहा है कि हम दूसरे ट्रिप पे कहीं और, बट हम घर जा रहे हैं. तो ठीक है, चेक इन वगैरह कराते हैं और चलते हैं. तो अभी अभी हमने चेक इन कर लिया है और यहाँ पे दोनों लोग खा रहे हैं. इसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, हमने सोचा कुछ खा के फिर अंदर जाते हैं जो भी है. तो वेजिटेरियन ऑप्शन में सिर्फ ये पोटैटो क्या है, ये पोटैटो बन समथिंग कुछ मिला है, तो मैं खाने वाली हूँ. सकता है कि हम आराम से गेट तक पहुंच जाए. दीदी ने सामान गलत पैक कर दिया था. दीदी उधर है. ये दीदी ने भी गलत पैक किया था. ये दीदी इधर है, देख लो अच्छे से. वैसे हमने पैकिंग करी नहीं, सारी पैकिंग इस बार गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया. मेरी गलती सारी लास्ट टाइम हो चुकी है. हमने ना मैंने पूरी जिंदगी भर की बड़ी गलती लास्ट टाइम कर दी. अभी मैं गलती नहीं करती. तो मेरे कैरी ऑन बैग में 100 ml, हम 100 ml लेके जा सकते हैं. उसमें 160 ml की दो बॉटल थी. रात को स्मिता ने गलती से रख दी, स्किन केयर ऑब्वियसली. तो क्योंकि हम वो बाद में आया था तो हमने उसी बैग में डाल दिया और याद नहीं रहा कि बड़े बैग में डालना है. तो यहाँ आते ही उन्होंने बोला कि ये तो आगे नहीं जा सकता है, आप इसको लेके इसको लेके वापस जाओ और इसको अपने चेक इन में कराओ या दूसरा अलग से भेजो. तो हम वहाँ पे गए तो चेक इन बैगेज तो पहले जा चुका था, तो उन्होंने हमारा एक अलग से पार्सल बना के 7 kg वाले में डाल के भेजा. हमें लगा पैसे लगेंगे बट शायद नहीं लिए उन्होंने पैसे. उन्होंने बोला कि भेजते हैं. इतना एम्बैरेसिंग हो गया. और फिर हमने वापस आके वापस सारे बैग वापस रखे, चेक कराया. तो बस ठीक है, फाइनली हम जा रहे हैं अभी. यस, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो अच्छा लग रहा है. तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा. Yeah.
So finally हम दून पहुंच गए और यहाँ पे I got flowers. We all got flowers. तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ. वहाँ पे वो दो हमें लेने आए थे बेचारे पीछे. सो फाइनली वी आर इन दून और अभी हम घर ना जाने से पहले सीधा नाश्ता करने आए यहाँ पे मैगी पॉइंट पे. कैसा लगे तुम्हें देहरादून? तो हमने सोचा पहले कुछ खाते हैं फिर नीचे चलते. कैसा लग रहा है आपको वापस दून आके? बहुत अच्छा लगा. अब देखो गाइस हाइट छोटी होने के कारण मैंने फोन बनने को दे दिया. कैसा लगा आपको ड्राइव करके इतना? हेलो हेलो. तो अभी फिलहाल हम लोग हैं देहरादून में और मैं घर में सबसे मिल ली थी. थोड़ा इमोशनल हो गया था माहौल और हमें आज दूसरा दिन है. हमने पहला दिन रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी. हम घूमने गए थे बाहर. तो मेरे साथ यहाँ पे हैं स्नेहल और स्मिता और ऑब्वियसली कौन हो सकता है मेरे साथ, वन एंड ओनली ब्रदर दिमायम करो. थोड़ी तारीफ कर देते थे. यहाँ पे बाकी दो लोग हैं. कैसा लगा तुम्हें देहरादून? सो यस आई लव देहरादून. मुझे बहुत पसंद है. एकदम घर वाली फीलिंग आती है यहाँ पे आके. आई एम सो हैप्पी. बस हमने खाना ऑर्डर किया है और ये व्यू है इस रेस्टोरेंट से. हमने हेलो हेलो. तो घर आए भी मुझे लगभग 3 दिन हो गए हैं और स्नेहल स्मिता वापस जा चुके हैं पुणे. और हमने घर पे किसी को नहीं बताया था, मतलब मेरे घर पे किसी को नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ. सिर्फ मेरे भाई को पता था. तो उसने घर पे बोला हुआ था कि उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं. तो पापा चाह रहे थे कि फिलहाल एक्चुअली हमारा घर, हम लोग नई जगह शिफ्ट हुए हैं, हमने नया घर लिया है. तो अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना है और पूरा कम्प्लीट नहीं है. मतलब ऊपर तो बना ही नहीं है. मतलब ऐसा होता है ना कि तुम सिर्फ शिफ्ट हो जाते हो, तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना है और अच्छे से अभी कुछ फर्नीचर वगैरह भी सब कुछ आया नहीं है. तो इट्स जस्ट द स्टार्टिंग. और पापा ऐसे चाह रहे थे कि एक बार बन जाए तो कोई आता. उसके कुछ फ्रेंड्स आने वाले. उसने बोला उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ उसके फ्रेंड्स दुबई में रहते हैं तो वो आ रहे हैं, उसने ऐसा बताया था. तो जब मैं घर पहुंची तो पापा थोड़ी देर के लिए बहुत शॉक थे कि ये कहाँ से आ गई. एंड वो थोड़े इमोशनल हो गए थे. उसके बाद में मेरी सिस्टर से मिली और मम्मा से मिली. मेरी मम्मी बहुत रोई है. मतलब नेक्स्ट लेवल. उनको कोई अंदाज़ा नहीं था मैं आने वाली हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले वो मुझे बोल रहे थे कि घर आ जा, पर मैंने मना कर दिया था कि नहीं मेरी पढ़ाई है, मैं नहीं आ सकती हूँ. बट घर घर होता है यार. मेरे को लगता है कि शायद मैंने सही डिसाइड किया कि मैं ऐसे घर पे सरप्राइज़ देती हूँ सबको और मिलने जाती हूँ, क्योंकि आई वॉज रियली मिसिंग देम. और तुम घर से जितना भी दूर रह लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे भी कैसी भी लाइफ इन्जॉय कर लो, बट तुम इनकम्प्लीट हो अपनी फैमिली के बिना. तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अगर तुम्हारे साथ तो तुम्हारी फैमिली नहीं है ना, तो तुम बिल्कुल इनकम्प्लीट हो. तो बस आई थिंक मैंने अच्छा किया और मैंने व्लॉग किया, लेकिन वो वीडियो और वीडियोस नहीं बना पाई. सिर्फ मेरे पापा और मेरी सिस्टर आए उस वीडियो में. बाकी ऐसे ही मैंने सबको सबके यहाँ जा जा के सरप्राइज दिया कि देखो मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ. मैंने किसी को नहीं बताया था एंड इट वॉज रियली फन और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने पहली बार ये व्लॉग किया ऐसे घर आना. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो. एंड मैं बहुत सारी नई वीडियोस लेके आने वाली हूँ तुम सबके लिए. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय एंड आई लव यू ऑल.